प्यारे विद्यार्थियों, ट्रीटमेंट ऑफ TCS इन टेली डॉट ERP 9 के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम वॉचर एंट्री ऑफ TCS करेंगे तथा इस बेस पे हम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को टैली डॉट ERP 9 में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं, हम सबसे पहले आपको वैल्यू एडेड टैक्स इनेबल करना है। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता है एट सोर्स, उनके ऊपर हर हालत में वैट लगता है। तो टैक्सेशन फीचर्स में जाकर आपको इसको यस करना है तथा इनेबल TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को भी यस करना है, क्योंकि यह टैक्स हमने अपने कस्टमर से लेना है तथा गवर्नमेंट को देना है, तथा कस्टमर की जो बाद में फाइनेंशियल ईयर पे टोटल इनकम होगी उसमें से TCS घटा के जो बैलेंस है वो कस्टमर पे करेगा। अब आपने देखना है कौन से रेट लगेंगे, तो टैली डॉट ERP 9 अपडेट आपको रेट्स डिस्प्ले स्टैट्यूटरी इन्फो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में शो करेगी। आप लेज़र क्रिएट करोगे फर्स्ट जो आपका डेटर है या कस्टमर है उसका, अंडर सन्ड्री डेटर्स में, सेल अकाउंट अंडर सेल अकाउंट में, TCS अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में, और टिम्बर एक स्टॉक की आइटम है, इसको आप क्रिएट करोगे। आउटपुट वैट भी ड्यूटीज एंड टैक्सेशन के अंदर जाएगा जो कि करंट लाइबिलिटी है। और वर्चुअल एंट्री की जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह से है, डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारी एसेट है तो इससे हमने पैसे लेने हैं, टू सेल अकाउंट व्हाट गोज आउट, हमारा गुड्स चला गया, आउटपुट वैट अकाउंट क्रेडिट एंड TCS अकाउंट क्रेडिट, यानी इस व्यक्ति की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी सेल की अमाउंट दे, आउटपुट वैट दे और TCS दे। और हमारी जिम्मेवारी है कि ये दो लाइबिलिटीज को हमने गवर्नमेंट को पे करना है। चलो अब इसको हम टैली में देखते हैं। सबसे पहले फीचर्स देखा, फीचर्स में स्टैट्यूटरी चला गया। यहाँ देखो मैंने एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स को यस किया है, ठीक, इसको भी यस कर दो आप। और जो आपका एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को भी यस किया है, सेट एंड अल्टर को भी कर देते हैं यस। इन फीचर्स के बाद ही हम TCS का रिकॉर्ड टैली में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप था वो था लेज़र क्रिएशन का। तो मैंने लेज़र क्रिएट किए हुए हैं 5, तो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले है मैंने किया श्याम, श्याम इज़ अवर कस्टमर, इसको हमने सामान बेचा है जो TCS की कैटेगरी में आता है, अंडर सन्ड्री डेटर, मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल यस, इज TCS एप्लीकेबल यस, और इसमें हमने सेट किया है एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, ऐसे ही अलग अलग पर्सन की कैटेगरी भी है, टाइप्स ऑफ पर्सन। ऐसे ही आपने TCS है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेशन रखना है, और नेचर प्रोडक्ट है टिम्बर ऑब्टेंड बाय एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज। और सेल्स अकाउंट बनाया अंडर सेल्स अकाउंट में, इसमें यूज्ड इन वैट रिटर्न यस, और आउटपुट वैट बनाया अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में। अब हम एक व्यूज देखते हैं कितना टैक्स लगेगा स्टैट्यूटरी इन्फो में।
इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स, तो ये हमारा है टिम्बर ऑब्टेन्ड, जो हमारे कस्टमर टिम्बर ऑब्टेन किया, तो 2.5% है। अब मैं चला गया इन्वेंट्री इन्फो में, इसमें स्टॉक आइटम देख लेते हैं। डिस्प्ले टिम्बर, ओके। अब हम वोचर एंट्री पास करते हैं, तो सेल वोचर में आपने जाना है, उसके बाद कैश है तो कैश, बैंक बैंक से अगर हमारे कस्टमर पेमेंट किया तो बैंक, अदरवाइज हम कस्टमर का नाम लिख देते हैं श्याम। सेल्स एट 12.5%, दैट इज द रेट ऑफ आउटपुट वैट। आइटम इज टिम्बर, सपोज दिस इज 7,50,000 रुपीज़ की हमने सेल की है, 7,50,000। इसके सेल के पैसे शाम से लेने हैं, तो मैंने और आइटम तो बेची नहीं है, तो मैं आगे चलता हूँ। एंटर डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ TCS किया, तो जो मैं अपने कस्टमर से 18,750 रुपये लेने हैं इनकम टैक्स के एज पर रूल, और फिर मैंने यहाँ आउटपुट वैट डाला, तो 12.5% है 93,750। तो कुल अमाउंट जो पेबल है हमारा कस्टमर से लेनी है वो है 8,62,500, जिसमें से हमने गवर्नमेंट को देनी है वो है 2.5% एंड 12.50%, ओके। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया, तो इस प्रकार से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जितनी भी सेल होती जाएंगी। चार पांच आइटम है उसके ऊपर TCS लगेगा, तो वो भी हमने अपने कस्टमर से लेते जाना है। बहुत बहुत आपका